हेलो गाइस, जेके स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम कुछ देखेंगे, कुछ टैक्सेस, कुछ ड्यूटीज जो हमें बचे हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती क्या है? व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। जो किसी कंट्री में गुड्स बनाए जाते हैं उस पे जो है एक्साइज ड्यूटी है वो लगती है। जो किसी कंट्री में गुड्स बनाए जाते हैं उन पे ये एक्साइज ड्यूटी लगती है। कब लगती है ये ड्यूटी? अगर कोई ये कंपनी है, ठीक है, या फैक्ट्री है, इसमें टायर बनाए जाते हैं, ठीक है, इस कंपनी में टायर बनाए जाते हैं, जब टायर तैयार होते हैं तो इस पे जो है टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस फैक्ट्री से या इस फैक्ट्री से चीज जो कुछ चीज है, जो प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स है, उनके गुड्स के बाहर निकलने से पहले ही इस पे ये एक्साइज ड्यूटी लगती है। जब एक्साइज ड्यूटी इस पे लगती है उसके बाद ये फिर बाहर अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में दे सकता है, चाहे होलसेलर्स को दे, रिटेलर्स को दे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे लगता है, किस अमाउंट पे लगता है। अगर इसका इनपुट जो है वो 5 लाख है और आउटपुट जो है वो 10 लाख है, ठीक है, मतलब इसने 5 लाख का इनपुट है और 10 लाख का आउटपुट है, इसका जो डिफरेंस है 5 लाख का, इसी पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसका जो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है इसी पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब बात है इनपुट और आउटपुट के डिफरेंस पे क्यों एक्साइज ड्यूटी है ड्यूटी लगती है? ताकि ये डबल टैक्स से बचे, इसको एक ही बार टैक्स देना पड़े तभी ये एक्साइज ड्यूटी लगती है। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसका दूसरा नाम है सिन वेट, CEN, सिन VAT वेट, जिसका मतलब है सेंट्रल वैल्यू एडिट टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडिट टैक्स। आपको समझ आया होगा ये। इसके बाद है दूसरी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ये जो कस्टम ड्यूटी है ये किस पे लगाई जाती है? कस्टम ड्यूटी इज ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये जो कस्टम ड्यूटी है ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे लगाई जाती है, ठीक है, मतलब जितना किसी कंट्री के अंदर बाहर से प्रोडक्ट्स आता है और जो यहाँ से बाहर प्रोडक्ट्स जाता है, इन दोनों पे कस्टम ड्यूटी लगती है। और ये जो कस्टम ड्यूटी है इसकी 3 टाइप्स हैं। कस्टम ड्यूटी इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। फर्स्ट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेकंड इज काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी एंड थर्ड इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करें, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है ये कब लगती है? जब किसी कंट्री में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कंट्री में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है? ये 10% इंडिया में कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है, इंडिया में जो इसका रेट है वो 10% है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है इसको दूसरा नाम क्या है? पीक। इस जो कस्टम ड्यूटी है इसका दूसरा नाम है पीक रेट, ठीक है, पीक रेट। कस्टम ड्यूटी इज आल्सो नोन एज पीक रेट। सेकंड टाइप है काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी। काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी इसका मतलब क्या है? ये कब लगती है? ये उन प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है जो बाहर से किसी कंट्री में आते हैं सस्ते दाम पे। मिसाल के तौर पर अगर जापान ये कंट्री है, यहाँ से मोबाइल फोन आते हैं इंडिया में, यहाँ से मोबाइल फोन आते हैं, मोबाइल फोन यहाँ पे 20,000 का जो बिकता है, यही मोबाइल फोन इंडिया में लाके वो 15,000 का बेचते हैं। क्यों? इनको गवर्नमेंट 5% सब्सिडी देती है, जो फर्क रहता है, ठीक है। जापान में जो 20,000 का फोन होता है वो जापानीज इंडिया में लाती हैं और 15,000 का बेचते हैं। तो इंडिया क्या सोचता है कि जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका घाटा हो रहा है, वो डूब रही हैं, इसके लिए इन पे टैक्स लगाया जाता है ताकि
इंडिया की प्रोडक्ट्स की जितनी कीमत है उसके बराबर ये कीमत रहे, और वो इंडिया जो है इस पे लगाता है टैक्स। किस पे? जो भारत से आता है चीज उस पे टैक्स लगाता है, और वो जो टैक्स है उसका रेट कितना है इंडिया में? इन इंडिया काउंटर विलिंग रेट इज 12%। ठीक है, इसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसका मतलब है सिंपली, जब भी कोई कंट्री भारत से प्रोडक्ट्स लाता है इंडिया में या इंडिया में लाता है, ये एक मिसाल है, तो उसकी कीमत जो कम होती है तो इस पे पहले ही टैक्स लगाया जाता है, ताकि जो इंडिया का प्रोडक्ट्स है और चाहे चाइना का प्रोडक्ट रखते हैं, जो इंडिया और चाइना का प्रोडक्ट्स है इनकी कीमत जो है सेम रहे। अगर यहाँ पे 1000 का प्रोडक्ट बिकता है तो चाइनीज प्रोडक्ट्स भी उतने का ही बिके, ये इसी के अंदर आता है, ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका नुकसान ना हो, वो ना डूबे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।